हमारी एक बड़ी क्लीन स्ट्रैटजी है जो कि मैंने आ, क्रिस्पी क्रीम डोनट से सीखी थी अब्रॉड क्रिस्पी क्रीम अब्रॉड में ना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता उनका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है कि आप एक बार ही खा लोगे तो आते रहोगे तो वो प्रोडक्ट फ्री देते हैं उनकी लाइन में खड़े हो जाना तो उनका एक फ्री डोनट होता है मैंने अपने कॉलेज के दिनों में काफ़ी खाया तो हमने क्या किया हमने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया तो अगर आप देखेंगे हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और सबसे कम प्राइस के अंदर तो क्या हमारी फूड कॉस्ट थोड़ी बाकी लोगों से ज़्यादा है पर इससे होता क्या है जो कस्टमर है उसको वैल्यू प्रोपोजिशन समझ में आती है कि यार ये बहुत अच्छा बर्गर है मेरे को डेढ़ सौ रुपये में मिल रहा है इससे क्या होता है दैट रिपीट कस्टमर नहीं तो काफी बढ़ जाता नहीं तो क्या है हर बार ही नया कस्टमर ढूंढने के लिए जाएंगे और उसका अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है वो चला जाएगा फिर आप नया कस्टमर ढूंढोगे ऐसे कितने ढूंढते रहोगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है पहला कस्टमर आया उसको प्रोडक्ट इतना अच्छा लगे कि अब वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहे तो कस्टमर लाइफ टाइम स्पेंड काफी ज्यादा है हमारा

तो अभी आ, एक आ, आपने ऐसे ही बताया कि क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट खोल तो हर कोई सकता है पर वो जो ब्रांडिंग और अवेयरनेस वो क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल है आ, मुझे याद है जब बर्गर सिंह शुरुआत में खोला था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैम्पेन्स भी रन करता था तो वो आपने कैसे डेवलप किया अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इतने हैवी या वेल फंडेड कॉम्पिटिटर्स हैं देखिए तो हमारा एम ये था कि आ, हमारे पास पैसे कम है उनके पास पैसे ज्यादा तो हमको कुछ चीज़ डिफरेंट हट के करनी पड़ेगी। तो हम काफ़ी पहले ये स्ट्रैटेजी डेवलप की थी कि हमारी जो ब्रांडिंग या जो एडवर्टाइजिंग होगी वो वायरल कॉन्टेंट के आसपास होगी शेयरेबल कॉन्टेंट कि मैं अगर आप बर्गर सिंह ने कोई ऐड निकाल लिया तो आप चार आप चा लोगों को कि यार दिस वॉज फनी आ, या इसने ये सही नहीं किया ये वो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर सो ब्रांडिंग प्रस्पेक्टिव से वी वेरी वेरी क्लियर कि पैसा जेब में कम है तो अब ये एक रुपये कोई ज्यादा आगे तक चलाना है तो चेयरेबल कंटेंट के ऊपर वायरल कंटेंट के ऊपर ज्यादा काम किया जिसके लिए क्रिएटिव लोग हायर करने पड़ते हैं uh, सब क्रिएटिव नहीं होते तो आपको क्रिएटिव लोग हायर करके आइडेंटिफाई करके और उसके बाद में उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी क्योंकि क्रिएटिव लोग काफ़ी डेंजरस होते हैं काइंड ऑफ गेट यू इन ट्रबल ऑल्सो विद क्रिएटिविटी सो यू हैव टू ट्रस्ट दैम दे हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रांड

विजन था बट अभी आप ओवरऑल बर्गर सिंह को कहाँ देखते हैं? आपका विजन क्या है कि इसको क्या करना है मैकडोनल्ड के तरह पूरा ग्लोबल चेन बनाना है या कुछ और आप विजन देखते हैं वी ऑलरेडी हैव प्रेजेंस इन द यूके। प्रोडक्ट मार्केट से फीडबैक वगैरह so uh, ले रहे हैं अभी हमने तो डाला नहीं है फर्स्ट स्टेप ये है कि हम वी वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट बर्गर ब्रांड इन इंडिया फर्स्ट जिसमें अभी इंडिया बहुत बड़ा देश है इसके अंदर अभी समय है आ, हम वन बिलियन डॉलर रेज करके एक्विटी डाइल्यूट करके एक दिन में नहीं बनेंगे आप ये समझिए कुछ समय और लगेगा पर हम पहुंच जाएंगे उधर उसके बाद में आई थिंक द आइडिया इज देन टू गो इंटरनेशनल हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर यूके के अंदर ऑलरेडी वी गॉट अ प्ले We are interested in working in Malaysia, because there is a ethnic Indian diaspora there. You know, generations of people have moved there, so flavour and taste profile is there.